Hello students, welcome to the Abhimanyu IAS. So target IAS 2021 में आप सभी का स्वागत है. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इस सेशंस के अंदर स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं, और वो करंट अफेयर्स आपके रहते हैं मार्च 2020 से अप्रैल 2021 तक के. हम लोग करंट अफेयर्स को कवर अप कर लेंगे, यानी कि मोर देन वन ईयर के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं हम लोग उनको कवर अप करेंगे. अब बात करें अगर इम्पोर्टेंट की, तो प्रिलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से ना जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे, हम लोग सभी के सभी ये करंट अफेयर्स को स्टूडेंट्स कवर अप करेंगे ये 70 डेज के अंदर, यानी कि बिफोर 2021 प्रीलिम्स ये सेशन हम लोग एंड कर देंगे, कवर अप कर लेंगे. और बहुत ही बढ़िया सेशन रहेगा ये वाला आपके लिए, और बहुत ही बेनिफिशियल सेशन रहने वाला है. और अभी तक के हमने सेशन के अंदर 10 लेक्चर्स को अटेंड किया है, जिसके अंदर हमने क्या देख लिया है, मार्च 2020 के करंट अफेयर्स को देख लिया है, अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स को भी कवर अप किया, और अब हम लोग मई 2020 के करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं. हमने अभी तक का मई 2020 के करंट अफेयर्स का एक सेशन लगाया, आज हमारा दूसरा सेशन रहेगा फॉर मई 2020 करंट अफेयर्स. क्लियर है? तो शुरू करें आज का सेशन. माई सेल्फ कनम अग्रवाल, करंट अफेयर्स मेंटर इन द अभिमन्यु आईएएस. क्लियर है? तो लीजिए शुरू करते हैं, बड़े ध्यान से और बड़े आराम से पढ़ेंगे. सबसे पहली न्यूज आज की हमारी रहेगी कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द सरफा एसी एक्ट. ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए. अब कोऑपरेटिव बैंक भी आपके सरफा एसी एक्ट के अंडर आ चुके हैं. वो सरफा एसी एक्ट क्या चीज है, अगर एक आसान सी भाषा में बोला जाए तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रहते हैं ना उसको कवर अप करना है, तो सरफा एसी एक्ट आता है. अगर सरफा एसी एक्ट भी देख लें, और एक हमारे पास एक और एक्ट है इंडियन इकोनॉमी में, वो है इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड, वो भी रहता है. हम लोग फ्यूचर में उसको भी देख लेंगे. क्लियर है? तो चलते हैं आज. यहां पे लिखा है द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कोऑपरेटिव बैंक, जो कोऑपरेटिव बैंक रहते हैं एस्टैब्लिश अंडर स्टेट लॉ. याद रखिएगा, पहले ही लिख देता हूं, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. थोड़ा सा डाटा एड ऑन करेंगे पहले ही हम लोग ये पैरा में, तो उसके लिए आप लोग नोट कर लें कि ये प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. सबसे पहला कि जो कोऑपरेटिव बैंक हैं वो किसके अंदर आते हैं, स्टेट लॉ के अंदर आते हैं, एंड मल्टी स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर आते हैं, कम विद इन द एम्बिट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. किसकी फुल फॉर्म बताई गई है, सरफा एसी एक्ट की सिक्योरिटाइजेशन एंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जिसको बोला गया सरफा एसी एक्ट 2002. क्लियर है? अब स्टूडेंट्स बात करें अगर व्हाट डू यू मीन बाय अ कोऑपरेटिव बैंक, मैं डाटा एड ऑन कर रहा हूं, तो प्लीज आप सभी को पता है, इसको लिख लेना अपने पीडीएफ नोट्स में. ठीक है? ये है क्या चीज, कहते कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया आर रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. किस स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर ये रजिस्टर है आपके कोऑपरेटिव बैंक्स. ठीक है? अब अगर और देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखें अगर इसका, ये था अपना पहला. अब दूसरा अगर पॉइंट देखते हैं, कहते द कोऑपरेटिव बैंक्स, द कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय, और कौन इसको रेगुलेट कर रहा है, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड अगर देखा जाए गवर्नड बाय, और गवर्न कौन कर रहा है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं ताकि यहां पे हमारे लिए स्पेस बन जाए, और गवर्न बाय, एक मिनट, अब सही रहेगा. अब अगर देखिए तो कौन गवर्न कर रहा है, दो हैं, वो आ रहा है नंबर वन, फर्स्ट इज योर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949, एक तो ये गवर्न कर रहा है, और दूसरा कौन गवर्न कर रहा है, एक आता अपने पास बैंकिंग लॉ, मतलब किसके लिए,
कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एक्ट है। ये कब आया था? 1955 में। तो स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव बैंक्स। क्लियर, एक सिंपल सी डेफिनेशन हमने पढ़ी है। चलें आगे आगे देखते हैं। यहां पे लिखा ही है कि द कोऑपरेटिव बैंक्स कैन बी कॉल्ड बैंक्स। हम लोग इसको भी बैंक बोल सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। ये अभी हमने देख लिया। इवन ये बैंकिंग लॉ जिसको बोला गया कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955 के थ्रू भी हम लोग इसको गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे लिखा द पार्लियामेंट हैज लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू रेगुलेट फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर्म्ड अंडर द स्टेट लॉ। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है आपको? चलें, यहां पे लिखा अपहोल्डिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, जो राज्य जो भारत सरकार की जो नोटिफिकेशन आई उसको मानते हुए। कब आई थी ये? 28th of January 2003 में। विच ब्रॉट, तो क्या लेकर आई कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज विद इन द परव्यू ऑफ द, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं विद इन द परव्यू ऑफ सरफाइसी एक्ट। कंसेप्ट देख लेना, कब किया गया था ये नोटिफाई? 28th of January 2003 को। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट सेड कि कोऑपरेटिव बैंक्स केम विद इन द डेफिनेशन ऑफ बैंक्स। बिल्कुल ठीक है कि कोऑपरेटिव बैंक भी बैंक्स की डेफिनेशन के अंदर आते हैं अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 फॉर द पर्पस ऑफ सरफेसी एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि कोऑपरेटिव बैंक को आप लोग बैंक बोलते हो, कि डेफिनेशन बैंक के अंदर आते हैं। और अगर आपका एक नॉर्मल बैंक है, लेट्स से सपोज एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है आपका, ठीक है, और कई बैंक्स लगा लो आप लोग, तो ये सारे के सारे बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आते हैं। तो अगर इन पे सरफा एसी एक्ट लग सकता है तो हम कोऑपरेटिव बैंक्स पे क्यों नहीं लगा सकते सरफा एसी एक्ट? तो तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे बोला गया द कोर्ट ऑल्सो रूल्ड दैट, कि कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि पार्लियामेंट हैज लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू प्रोवाइड प्रोसीजर्स फॉर रिकवरी ऑफ लोन अंडर द सरफा एसी एक्ट। मेंस पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स आपका ये रहेगा। देखो है कुछ नहीं है, एक सिर्फ आपने समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रूलिंग पास की कि पार्लियामेंट हैज लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू प्रोवाइड प्रोसीजर्स फॉर द रिकवरी ऑफ लोन। हमने बेसिकली सरफा एसी एक्ट हो गया और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड हो गई, ये किसके लिए रखे हुए हैं? ये हमने रिकवरी ऑफ लोन्स के लिए रखे हैं। जब हम बोलते हैं ना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाती हैं जब कोई भी पार्टी, तो जब उससे रिकवरी करनी है तो हम सरफा एसी एक्ट यूज करते हैं, और पहले भी यूज करते थे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड विद रिस्पेक्ट टू द कोऑपरेटिव बैंक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। कहते द कोर्ट वॉज ऑफ ओपिनियन दैट रिकवरी ऑफ ड्यूज वुड बी एसेंशियल फंक्शन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि रिकवरी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल फंक्शन है किसका? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, कोऑपरेटिव बैंक का भी लगा सकते हो। अगर कोई भी एक्स वाई जेड पार्टी अगर लोन लेती है बैंक से और उसके बाद रिकवरी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इस तरीके से तो बैंक का तो दिवाला निकल जाएगा। तो वही कंसेप्ट है कि हमने ये बैड एसेट्स जिसको बोलते कि बैड लोन्स है उसको रिकवर करने के लिए सरफा एसी एक्ट लेकर आए थे, और अब कोऑपरेटिव बैंक्स को भी हम सरफा एसी एक्ट के अंडर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यहां पे लिखा है ना कि एसेंशियल फंक्शंस हैं। कहते एंड कोऑपरेटिव बैंक्स कैन नॉट कैरी ऑन एनी एक्टिविटी विदाउट द कंप्लेंट्स ऑफ प्रोविजन ऑफ बैंकिंग एक्ट एंड एनी अदर लेजिस्लेशन एप्लीकेबल टू सच बैंक्स एंड द आरबीआई एक्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? देखिए फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं हर एक सेशन में आपसे एक बात बोलता हूं कि आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखा करें। मैं कमेंट सेक्शन को डेली बेसिस पे देखता हूं, किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं वो आपकी सॉल्व आउट कर दूंगा। हालांकि एक एस्पिरेंट ने मुझे कमेंट में लिखा है कि कोई हर एक टाइप की मेजॉरिटी को मैंने डिफाइन करना है, तो प्लीज मैं उसको प्रॉपरली समझ नहीं पाया, तो प्रॉपरली बताएं किस तरह का आपको डाउट है उसमें, सो दैट आई विल मेक अ स्लाइड्स ऑन दैट टॉपिक। आगे चलते हैं, सरफा एसी एक्ट को ही देख लेते हैं। कहते बैंक्स यूटिलाइज द सरफा एसी एक्ट, किसको यूज कर रहा है, किसके लिए? एन इफेक्टिव टूल, वो एक टूल है फॉर द बैड लोन्स। बैड लोन को आपने क्या बोल दिया? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। याद रखिएगा एक कंसेप्ट, मैं आपको एक ना एक ओवरव्यू बता देता हूं, वैसे आपको नॉलेज है इसके बारे में। सपोज करें अगर मैंने 100 रुपए का लोन ले लिया बैंक से, अब मैंने बैंक्स को इजिली
मंथली इंस्टॉलमेंट्स में मैंने उसको पे करना है, हर महीने मैंने सपोज कर लो 2 रुपये देने हर महीने। अगर मैंने 3 मंथ्स तक या फिर 6 मंथ्स के इन बिटवीन कोई भी मैंने अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट को पे नहीं किया है, तो सरफा एसी एक्ट से मुझे भी डर लगना शुरू हो सकता है। तो ये एक कंसेप्ट रहता है कि बैंक्स हमेशा एक प्रॉपरली टाइम पीरियड देते हैं कि अगर 3 से 6 महीने के टाइम पीरियड के बीच में अगर कोई भी मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर गैप आ रहा है, तो आप प्लीज उस पार्टी को कॉल करें, और अगर फिर भी आगे फर्दर कंटिन्यूटी रहती है इन द मंथली इंस्टॉलमेंट्स, देन वी विल प्रोसीड फॉर द सरफा एसी एक्ट। ठीक है, रिकवरी होती जिसको बोलते हैं, कहते प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटीज इन इंडिया। ये लीगल, ये कानूनी तौर पर ये बोला गया, कहते इट प्रोवाइड द प्रोसीजर्स, एक प्रोसीजर बना दिया कि स्टेप्स बना दिए ट्रांसफर ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टू एसेट। कंसेप्ट देखें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से एसेट पे लेकर आना, मतलब परफॉर्मिंग एसेट में लेकर आना, नॉन परफॉर्मिंग तो काट देना इसके अंदर। ठीक है, वो कंसेप्ट आ रहा है आपका। आगे चलें, यहां पे लिखा गया रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट्स। क्लियर, ये भी क्लियर है। कहते एनफोर्सेस द सिक्योरिटी इंटरेस्ट विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, की कोर्ट जाने की भी जरूरत ना पड़े, उसे पहले ही मामला सुलझ जाए। कहते गिव्स पावर टू बैंक्स, बैंक्स को पावर दी गई है एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब यहां पे कोऑपरेटिव बैंक्स की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, टू टेक ओवर द इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज प्लेज्ड टू एनफोर्स द रिकवरी ऑफ द डेब्ट। जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है मॉर्गेज के टाइम पे जो एक पार्टी बैंक को प्रोवाइड करवाती है, तो क्या करा जाएगा वहां पे, टेक ओवर कर लिया जाए वो प्रॉपर्टी पे, ताकि हम लोग जो कर्जा है उसको चुका सके, सॉरी उसको कवर अप कर सके, जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोसीजर्स हमें सरफा एसी एक्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट चलें आगे, सरफा एसी एक्ट में और क्या है, कहते हैं मेजर फीचर्स ऑफ सरफा एसी इज दैट, इसके फीचर्स क्या है, इट प्रमोट द सेटिंग अप ऑफ एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको बोल दिया ARC। कंसेप्ट देखें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रिलिम्स के अकॉर्डिंगली, कि सरफा एसी एक्ट ने प्रमोट किया कि एक चीज बनाई जाए, वो क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARCs एंड SCS, मतलब एसेट्स सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। टू क्यों बनाना है, मतलब ARCs और SCS को क्यों बनाया गया, ताकि हम लोग जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ना उसको डील कर सकें, टू डील विद नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स accumulated with the banks and the financial institutions। Clear है, तो आपकी ARCs और SCS ये आपको किसने बनाने की परमिशन दी, अंडर द सरफा एसी एक्ट। कहते सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ पूलिंग टूगेदर वेरियस टाइप्स ऑफ डेब्ट, मतलब इकट्ठा खींच लो कई कर्जों को, सच एज मॉर्टगेज। मॉर्टगेज क्या रहता है, अभी मैंने सपोज करें मैंने 1 लाख रुपए का लोन लेना है बैंक से, तो मैं अपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो पेपर्स रहते हैं मैं वो बैंक को प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसको मैं वो प्रॉपर्टी को क्या बोल दूंगा, मॉर्गेज पे मेरी प्रॉपर्टी जा चुकी है। एंड अदर कंज्यूमर लोन्स एंड सेलिंग देम एज बॉन्ड्स टू द इन्वेस्टर्स। क्लियर, कहते एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन इज द एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी है कन्वर्ट करना है किसको, बैड लोन या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को इनटू परफॉर्मिंग एसेट्स विद द हेल्प ऑफ एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको बोला गया था अभी ARCs। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी इकोनॉमी इतना ज्यादा वर्स कंडीशन में थी ड्यू टू द COVID-19, तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि कई कंपनीज COVID-19 का नजायज फायदा भी उठा सकती है, तो इसीलिए तो सरफा एसी एक्ट की ये वाली न्यूज आई है बाहर। क्लियर, आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज अपनी आती है, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट बाय द चाइना। चाइना ने रिसेंटली रॉकेट लॉन्च किया, वो आपके सामने डायग्राम में है, ये है क्या चीज देखते हैं, और ये आपके पेपर में इंपॉर्टेंट रहेगा, जनरल स्टडीज पेपर 3, GS पेपर 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली न्यूज है ये। देखिए शुरू करें, कहते इट इज बींग कंसीडर्ड चाइना सक्सेसफुल, कि चाइना का एक सक्सेसफुल स्टेप है, कदम रखा उसने टू ऑपरेट परमानेंट स्पेस स्टेशन
मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल स्पेस स्टेशंस के ऊपर बहुत न्यूज़ आ रही है कि चाइना ने रिसेंटली एक काफ़ी अच्छा स्टेप किया, किसके तहत स्पेस स्टेशंस में एंड सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द मून, क्लियर, किसके जरिए, 5B रॉकेट के जरिए। कहते अ स्पेस स्टेशन इज अ स्पेस क्राफ्ट कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग क्रू मेंबर्स। अब स्पेस स्टेशन होता क्या है, बेसिकली एक स्पेस क्राफ्ट है जहां पे एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं, जिसको क्रू मेंबर्स बोला गया, डिजाइंड टू रिमेन इन स्पेस। वो इस तरीके से बनाया गया है आपका स्पेस क्राफ्ट ताकि आपके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेस में ही रह सकें फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक, एंड फॉर अदर स्पेस क्राफ्ट टू डॉक। मतलब क्या आएगा, ताकि बाकी कोई भी अगर स्पेस क्राफ्ट धरती से स्पेस की तरफ आता है तो वो भी उसके साथ डॉक हो सके, मतलब लग सके, अटैच हो सके, जिसको बोलते हैं, क्लियर है, पार्क हो सके, वो कंसेप्ट है। कहते वन फुली फंक्शनल स्पेस स्टेशन इन अर्थ लो ऑर्बिट। अब कंसेप्ट या स्टूडेंट्स याद रखने, एक अपने पास आता है लो अर्थ ऑर्बिट, फिर आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, फिर आता है जियो अर्थ ऑर्बिट। ये ऐसे ऑर्बिट्स हैं जहाँ पे हम लोग अपनी सैटेलाइट्स को भेजते हैं। हमारे पास तीन ऑर्बिट्स रहते हैं, वो आपके सामने क्लियर है। या अब यहाँ पे बात हो रही है लो अर्थ ऑर्बिट की, इज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। लो अर्थ ऑर्बिट में हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, ह्यूमन बींग्स, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चाइना ने बनाया है, एंड एस्ट्रोनॉट्स कंडक्ट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इन इट। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक, आगे चलें। अब आता है, कहते हैं लॉन्ग मार्क 5B रॉकेट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम द, ये लॉन्च कहां से किया गया था, मेंस ये आपका प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये लॉन्च किया गया था फ्रॉम द वेनचांग लॉन्च साइट इन द सदर्न आइलैंड ऑफ हेयानन। कहां से किया था, वेनचांग लॉन्च साइट से किया था। वो कहां पे है, एक आइलैंड है चाइना के साउथ में मिल जाएगा, वो आइलैंड है हाइनन। और ये आपका 5B रॉकेट कितना वेट था उसका, 849 टन्स का, क्लियर। यहां पे लिखा द असेंबली ऑफ द टियांगोंग स्पेस स्टेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी बिगन इन 2020 एंड फिनिश इन 2022। कंसेप्ट देखें, जो अभी हमने यहां पे देखा था ना कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है चाइना के तरफ से बनाया जा रहा है, तो वो नाम क्या रखा गया वहां पे, द असेंबली ऑफ क्या रखा गया, टियांगोंग स्पेस स्टेशन। और ये शुरू किया गया था, एक्सपेक्टेड था 2020 में और खत्म हो जाएगा 2022 में, यानी कि लगभग 2 साल के अंदर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपका बन के तैयार हो जाएगा बाय द चाइना। कहते चाइना प्लान टू सेंड एन एस्ट्रोनॉट टू द मून इन अबाउट अ डिकेड एंड देन बिल्ड अ बेस देयर। और इवन चाइना मून पे भी अपना बेस बनाने जा रहा है, ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। अब आता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या चीज, ये थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। कहते ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज अ हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि धरती के अगर चक्कर लगाती रहेगी ना तो उसको सैटेलाइट बोलते हैं, क्लियर। अगर मैं बात करूं बहुत बेसिक सा कि अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या, अपनी मून है। देखो कोई भी चीज अगर दूसरी चीज के इर्द गिर्द चक्कर काटती रहेगी तो हम लोग उसको सैटेलाइट बोलते हैं, आर्टिफिशियल है क्योंकि मैन मेड है। कहते द सिंगल लार्जेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर इन लो अर्थ ऑर्बिट, क्लियर है। इट्स फर्स्ट कॉम्पोनेंट वॉज लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट इन 1998। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आपको हर एक चीज का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, तो उसके पर्सपेक्टिव से हमारे पास ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहते अब जो सैटेलाइट है बनने जा रही है वो धरती का चक्कर कितनी देर में लगाती है, इट सर्कल्ड अर्थ इन रफली 92 मिनट्स। तो आप उसकी स्पीड देख सकते हैं, कंप्लीट्स 15.5 ऑर्बिट्स पर डे। कितना ऑर्बिट कवर कर दिया, 15.5 ऑर्बिट्स एक दिन के अंदर, ठीक है। कहते द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट। ये एक इकलौता चाइना नहीं कर रहा, उसके लिए कई इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज भी आगे आ चुकी हैं। और वो कौन कौन सी हैं, 5 हैं। एक है नंबर 1 इज नासा जो USA का है, फिर आता है रॉस्कोमोस जो रशिया का आता है, जाक्सा जापान का आ गया, ESA यूरोप का आ गया,
CSA Canada का आ रहा है, बट इट्स ऑनरशिप एंड द यूज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल सॉरी इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स. क्लियर है? ये बोलते हैं कि कॉन्टिन्यूस प्रेजेंस एट ISS की हर टाइम पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स की प्रेजेंस हैज रिजल्टेड इन द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस ह्यूमन प्रेजेंस इन द लो अर्थ ऑर्बिट. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया ना, वो कौन से ऑर्बिट में बनाया? वो बनाया हमने लो अर्थ ऑर्बिट में. सॉरी, क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक यहां पे अब लिख दिया कि ये अगर एक्सपेक्टेशन है कब तक तैयार हो सकता है, ये 2030 तक तैयार हो जाएगा. क्लियर? फिर भी देखो कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आप लोग. ओके, आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं हम लोग. हमारी नेक्स्ट न्यूज रहती है न्यू रोड टू द कैलाश मानसरोवर. क्लियर है? अब देखना शुरू करते हैं ये क्या बोलते हैं. एक तो ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है स्टूडेंट्स, जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. अगर मैं थोड़ा सा ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से आपको पढ़ा दूं कि कैलाश मानसरोवर से आपकी उसके आसपास मतलब मानसरोवर के नियर अबाउट से आपकी कौन कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है स्टूडेंट्स, तो इसको भी अंडरलाइन कर लो. देन नंबर 1 इज योर इंडस, एंड सेकंड इज योर सतलुज, एंड थर्ड 1 इज योर ब्रह्मपुत्रा. कंसेप्ट को याद रखना. हमने लिखा इंडस नदी नियर द कैलाश मानसरोवर ओरिजिनेट करती है, सतलुज नदी नियर द कैलाश मानसरोवर ओरिजिनेट करती है, ब्रह्मपुत्र नियर द कैलाश मानसरोवर ओरिजिनेट करती है. तो नदियां भी अपना काफी ज्यादा रोल प्ले करती हैं सड़कें बनाने पर ऐसे एरियाज में. क्लियर है? चलें आगे. ओके, बस एक मिनट क्लियर कर लें. हाँ जी, अब देखना शुरू करते हैं यहां से. ये बोलते हैं डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज इनॉग्रेटेड, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है 80 किलोमीटर की सड़क का जो उत्तराखंड से शुरू होती है, कनेक्ट किसको करती है टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. कंसेप्ट याद रखें LAC का. अगर मेरे दिमाग में आ गया ना LAC तो इतना पता होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और ये जो आपकी LAC है ना ये तीन भागों में डिवाइडेड है. कौन कौन से है? एक तो आता है नॉर्थ, ठीक है, एक आता है आपका मिडल में, और अगर बात करूं एक आता है मेरा ईस्ट में आता है. आई एम सॉरी, एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्थ गलत लिख गया. हम लोग यहाँ पे नॉर्थ की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ वेस्ट. वेस्ट का मतलब क्या है? जो लद्दाख में आपका प्रेजेंट रहता है. मिडल में आपका क्या रहेगा? मिडल में आपका जो उत्तराखंड रहेगा. और ईस्ट में आपका क्या रहेगा? जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, असम वाला हिस्सा है. तो वेस्ट और ईस्ट वाला काफी डिस्प्यूटेड रहता है. ये हमने किया था जब हमने न्यूज को पढ़ा था कि जो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट्स थे. क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक चलें आगे. कहते द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द 80 किलोमीटर रोड इन उत्तराखंड जो कनेक्ट कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, एंड ओपनिंग अ न्यू रूट फॉर द कैलाश मानसरोवर यात्रा. ये धार्मिक यात्रा है, पिलग्रिमेज यात्रा रहती है आपकी, कि कैलाश मानसरोवर से जो जाते हैं वाया लिपू लेक पास जो चाइना बॉर्डर पे है. हालांकि लिपू लेक के पास भी जो एक न्यूज बन गई थी इन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल को लेकर, ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखना. ये 2019 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज रह चुकी है स्टूडेंट्स, इसको अंडरलाइन कर लो. लिपू लेक पास को बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. ठीक है, चले आगे. कहते द लिंक रोड इज नेम्ड एज, जो अभी सड़क बनी है 80 किलोमीटर की उत्तराखंड से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को जो कनेक्टिविटी दे रही है, हमने उसका नाम क्या रख दिया? कैलाश मानसरोवर सरोवर यात्रा रूट, अंडर विच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अचीव्ड रोड कनेक्टिविटी. कंसेप्ट देख लीजिएगा. अगर हम लोग अभी बात करें, इफ वी वॉन्ट टू ट्रेवल फ्रॉम डेली टू मुंबई या फिर डेली से अमृतसर अगर आपको जाना है, तो हम लोग देखते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोर्ड लगे होते हैं, कि मतलब ये लोग रोड्स बनाते हैं, ये लोग ही हैं जो नेशनल हाईवेज बना रहे हैं. अब अगर मैं बात कर लूँ, कुछ सड़कें ऐसी जो अमृतसर से हमने अटारी बॉर्डर पर जाना है, हमने जम्मू कश्मीर से कहाँ जाना है, हमने जम्मू एंड कश्मीर से कारगिल सेक्टर तक जाना है, तो इस तरीके की सड़कें जहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर्स आपके लग रहे हैं, तो वहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रोड कंस्ट्रक्शन नहीं करता. वो कंस्ट्रक्शन किया जाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, BRO के द्वारा. इवन BRO ऑल्सो कंस्ट्रक्ट द एयरपोर्ट्स फॉर द डिफेंस. ये चीज़ आप लोग स्टूडेंट्स याद रखें. क्लियर है? तो
विच द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अचीव द रोड कनेक्टिविटी, बिल्कुल ठीक है, फ्रॉम कहां से, ये है धारचूला, ये कहां पे धारचूला, पिथौरगढ़ के पास है, स्टेट उत्तराखंड, टू लिपुलेख। सो कहां से कहां तक बीआरओ ने बना दिया, वो सड़क का नाम है कैलाश मानसरोवर यात्रा लेख, सॉरी यात्रा रूट, और ये धारचूला से लिपुलेख तक बनाया गया। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रीलिम्स 2021 स्टूडेंट्स, क्लियर। कहते हैं लिपुलेख आल्सो नोन एज, अब लिपुलेख ये भी मैं प्रीलिम्स से इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, लिपुलेख को हमने और क्या बोल दिया, लिपुलेख पास या फिर क्वेंगला और ट्राई कॉर्नर, तीन नाम ले लिए, लिपुलेख पास या फिर क्वेंगला या फिर ट्राई कॉर्नर इज अ हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन पास सिचुएटेड कहां रहेगा, वेस्टर्न हिमालयस में, और हाइट कितनी रहती है 5334 meters या फिर 17,500 feet, क्लियर। अगेन प्रिलिम से बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा, कहते इट इज एन इंटरनेशनल माउंटेन पास बिटवीन इंडिया चाइना नेपाल, अभी नेपाल का कंसीडर आ गया ना, तभी तो मैंने बोला था लिपुलेख, अभी हमने यहाँ पे नेपाल क्यों यूज कर लिया, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने धारचूला से लिपुलेख तक कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट बनाया जो 80 किलोमीटर लंबा था, बनाया किसने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, लिपुलेख आपका नेपाल पे है, और ये सड़क इंडिया से चाइना को कनेक्टिविटी दे रही है, और किसके लिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड रहेगी स्टूडेंट्स ये आपकी, ओके आगे चलते हैं। यहां पे बोला गया है इट वॉज अप्रूव्ड, इसको अप्रूवल किसने दिया था 2005 में, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज। अब मैं बात करूं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, तो अगर इसकी बात करें ये क्या चीज है स्टूडेंट्स, एड ऑन डाटा है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, ये हेडेड कौन करता है, कहते हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की देखरेख में ये चलता है सारा कुछ। सेकंड पॉइंट की अगर बात करूं, कहते कैबिनेट कमेटी ये क्या है, आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एमर्जेंस, क्लियर है, इवन ये क्या बोलते हैं कि दे आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में इसका मेंशन जिक्र नहीं है, बट फिर भी हाउ एवर द रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड फॉर देयर एस्टैब्लिशमेंट, ये कंसेप्ट को आप लोग याद रखें, हालांकि कंसेप्ट आपका थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट्स, कि कानून ने इसकी व्यवस्था नहीं की, फिर भी रूल बुक होती है ना जो बिजनेस है उसमें ये लिखा है कि हम लोग इसकी एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं, किसकी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की, क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक चले आगे एक मिनट, यहां से ये थोड़ा सा मैप भी आप लोग देख लें, ये रही आपका सड़क, और कहां से कहां तक है, दिस इज योर लिपुलेख पास, और कहां से है, पिथौरगढ़ से, ये लिखा क्या कि दिल्ली टू पिथौरगढ़ इज अ नेशनल हाईवे, बिल्कुल ठीक है, इवन लिखा गया पिथौरगढ़ टू तवांग घाट इज अ स्टेट हाईवे, क्लियर, ये लिखते हैं, कहते मेकिंग द पिलग्रिमेज इजियर फॉर द यात्रा, अ न्यू रोड टू कैलाश, जिसका नाम रखा कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट, कहां से कहां निकलेगा, अल्मोरा से दानिया, पिथौरगढ़, धारचूला, फिर आता है तवाघाट, नारायण आश्रम, लिपुपास, कहां पे आ गया आपका, दिस इज योर लिपुपास, और मानसरोवर लेक आपकी ये रही, क्लियर, कंसेप्ट देखकर चले हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कहते द लास्ट 5 kilometers ऑफ द रोड कुड नॉट बी फिनिश्ड ड्यू टू द टेम्पररी बैन placed on the last mile connectivity in 2016 by the Director General Military Operations, which is yet to be lifted. Clear hai students, ye wala doubt aapka? Chale aage. Kehte it is the shortest and the cheapest route, bilkul theek hai. With just 1/5 distance of the road travel as compared to the other older route. Ab hum pehle kab kaise jaate the? Via Sikkim hokar. Clear?
नेक्स्ट है देयर इज नो एयर ट्रेवल इन्वॉल्व, कोई एयर ट्रेवलिंग इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एंड द मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेवल्स 84% जो भारत से जाता है, एंड ओनली 16% इन चाइना, भारत से 84% सिर्फ भारत से और 16% चाइना से है, कंपेयर टू द अदर रूट्स वेयर 80% रूट ट्रेवल इज इन चाइना। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस यहाँ पे ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि लिपु लेख ये वाला जो हमने अभी रिसेंटली पिथौरागढ़ से बनाया है रोड को बाय द बीआरओस, उससे पहले हम लोग इसी कैलाश मानसरोवर यात्रा को कैसे कंप्लीट करते थे, हम लोग वाया सिक्किम होकर जाते थे जो काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रहता था एज कंपेयर टू द न्यू वन। क्लियर, आगे चलते हैं, हम देखते हैं कैलाश मानसरोवर का, कहते हैं टू हिंदूज इट इज अर्थली एम्बॉडीमेंट ऑफ द डोमिनेंट माउंटेन ऑफ हेवन, बिल्कुल ठीक है, मीरू एंड द रेजिडेंट ऑफ लॉर्ड शिव, भगवान शिव का बोला गया था, एंड हिज कंसॉर्ट गॉडेस पार्वती जी। क्लियर है, यहां पे लिखते हैं द कैलाश रेंज सुप्रीम पीक लाइज इन चाइनीज ऑक्यूपाइड तिब्बत, याद रखेगा जो तिब्बत में प्रेजेंट है आपका मानसरोवर कैलाश मानसरोवर लेक, और ये जो कैलाश मानसरोवर का तिब्बत में प्रेजेंट है वो एरिया आता है चाइना के अंदर एट द हाइट ऑफ 6675 मीटर्स। क्लियर है, कहते द पिलग्रिमेज टू कैलाश, जो कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा के लिए निकलते हैं, एंड टू सेक्रेट मानसरोवर लेक दैट लाइज 30 किलोमीटर टू द साउथ, की कैलाश पर्वत से मानसरोवर लेक 30 किलोमीटर की दूरी पे साउथ डायरेक्शंस में है, इज रन एक्सक्लूसिवली बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन है, द कुमाऊं मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, फिर भी रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा, हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे चलते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज आती है कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। अब ये न्यूज आपने इंपॉर्टेंट रहने वाला है जीएस पेपर 2 के लिए, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 जो काफी ज्यादा देखने को मिला है, कहते द यूनियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया राज्य सरकारों को और यूनियन टेरिटरीज को टू इन्वोक एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, क्यों, ताकि हम लोग कोविड 19 से बच सकें, आउटब्रेक से बच सकें। क्लियर है, अब बात करें कि द एपिडेमिक डिजीज एक्ट है जो, उसका क्या मुद्दा था लेकर आने का, क्या प्रिंसिपल थे, उसका क्या एम ऑब्जेक्टिव था, टू प्रोवाइड फॉर द बेटर प्रिवेंशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ डेंजरस एपिडेमिक डिजीज, ताकि जो आपका कोविड 19 है ना वो आगे ज्यादा फैले ना, कोई भी डिजीज है वो आगे ज्यादा ना फैले, इसीलिए तो हम लोग लेकर आते हैं एपिडेमिक डिजीज एक्ट। क्लियर, यहां पे बोला गया अंडर द एक्ट, अब इस कानून के तहत क्या है, टेम्परेरी प्रोविजंस और द रेगुलेशंस कैन बी मेड टू बी ऑब्जर्व बाय द पब्लिक टू टेकल और प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ द डिजीज। क्लियर है, अब थोड़ा सा डाटा देखते हैं, यहां पे लिखा कि जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है ना, ये सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कहते इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स टू टैकल, किसके लिए किया गया था, टू टैकल द एपिडेमिक ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग, जो ब्यूबोनिक प्लेग था कहां पे, इन बॉम्बे, भारत में सबसे पहले, ये हिस्ट्री है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, जो हमने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 देख लिया, ये भारत में सबसे पहले बॉम्बे में लागू किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ताकि हम लोग ब्यूबोनिक प्लेग को रोक सके फैलने से। ठीक है, ये आपकी हिस्ट्री आती है, बैकग्राउंड आता है, कोई डाउट तो नहीं यहां तक, अब देखें यहां पे थोड़ा सा ये न्यूज में, ये मैंने न्यूज की अब कटिंग यहां पे यूज की है, यहां पे लिखा मणिपुर से महाराष्ट्र तक, मणिपुर आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आ गया, महाराष्ट्र आपका साउथ इंडिया में आ रहा है, कहते स्टेट्स क्लैंप डाउन, है क्या चीज, स्कूल कॉलेजेस मूवी हॉल्स इन पंजाब हरियाणा ओडिशा एमपी बिहार स्कूल्स आर क्लोज इन मणिपुर, ये आपका एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंडर आ गया।
कहते कर्नाटका क्लोजेस मॉल्स, सिमिलरली महाराष्ट्र ने भी कर दिया था, इवन उत्तर प्रदेश में भी मार्च 22 तक ये लॉकडाउन लग गया था एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत। क्लियर है, यहाँ पे बोला गया कि 91 नंबर ऑफ केसेस सो फार एज पर द रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट्स, हेल्थ मिनिस्टर कंफर्म द 82। ये सारे का सारा हमने क्यों रोक दिया था, यहाँ पे एपिडेमिक डिजीज एक्ट के कारण ये सारा कुछ रोक दिया गया ताकि जो आपका COVID-19 है वो फर्दर आउटब्रेक ना हो, आउटब्रेक मतलब ज्यादा ना फैले, ठीक है। 1000 अंडर द वॉच कितना था वो, 42,000 इन कम्युनिटी सर्वेलेंस। बस एंड रेल सर्विस टू द बांग्लादेश सस्पेंडेड फॉर अ मंथ। अब आप कंसेप्ट यहां पे देखें, ये लास्ट पॉइंट जहां पे मैं ये हैंड कर्सर आपका यूज कर रहा हूं स्टूडेंट्स, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत भी इंटरनेशनली क्या हुआ कि जो बस और रेल सर्विसेज थी बांग्लादेश जाती आती थी, इंडिया और बांग्लादेश के इन बिटवीन, उसको भी रोक दिया गया एक महीने के लिए कि इंटरनेशनल ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड इन 19 ऑफ 37 बॉर्डर चेक पोस्ट। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे यहां पे लिखा हुआ है, कहते सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग क्या है, एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा कानून है जो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कुछ स्टेप्स लिए जाएं ताकि जो एपिडेमिक है वो फर्दर स्प्रेड ना हो पाए। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको याद होगा ना, हमने कल एक न्यूज पढ़ी थी जिसके अंदर हमने देख लिया था कि कॉन्करेंट लिस्ट अपने पास रहती है, यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। तो आ गया ना कि हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, बट बाय इनवॉकिंग सेक्शन 2, कहते अगर हम लोग सेक्शन 2 का भी इस्तेमाल कर एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत, तो एडवर्सरीज एंड द डायरेक्शंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विल बी एनफोर्सेबल, यानी कि सेंटर भी फिर इसमें अपनी रूलिंग कर सकता है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। कहते इट अलाउ द गवर्नमेंट टू इंस्पेक्ट एनी शिप, इवन अगर मैं बात करूं कोस्ट की, यहाँ पे कोस्टल एरिया की, अगर यहाँ पे आपके शिप्स रहते हैं, अगर आप यहाँ पे शिप्स पार्क होते हैं ईस्ट और वेस्ट में भारत के पेनिनसुलर इंडिया में, तो हम लोग शिप्स की जो अराइविंग होती है उसको भी चेक कर सकते हैं, या फिर जो यहाँ से निकल रही है उसको भी चेक करेंगे अपना डॉक से, एंड द पावर टू डिटेन एनी पर्सन इंटेंडिंग टू सेल और अराइविंग इन द कंट्री। ये ही है आपका सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर मिलती है। अब सेक्शन 3 क्या बोलता है, प्रोवाइड पेनाल्टीज, हम फाइन भी डाल सकते हैं, क्यों, अगर कोई भी सिटीजन इसका डिसऑबे करेगा एनी रेगुलेशंस और ऑर्डर मेड अंडर द एक्ट। क्लियर, कहते दीज आर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, अब ये रहता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 188 ऑफ द आईपीसी इंडियन पीडल कोड, मतलब डिसऑबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमल्गेटेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट का जो ऑर्डर्स जजमेंट्स पास और ऑर्डर्स पास होते हैं, अगर हम लोग उनको फॉलो नहीं करेंगे, डिसऑबे कर देंगे, तो हमें पेनाल्टीज भी हमें भरनी पड़ सकती हैं, वो आता है अंडर द सेक्शन 3। क्लियर, अब रहता है कि सेक्शन 4 क्या बोलते हैं, गिव लीगल प्रोटेक्शन, किसको लीगल प्रोटेक्शन देनी है, वो पब्लिक सर्वेंट को हमने लीगल प्रोटेक्शन देनी है जिसने ये सारे का सारा इम्पोज किया एपिडेमिक डिजीज एक्ट। कहते लीगल प्रोटेक्शन टू इंप्लीमेंटिंग ऑफिसर एक्टिंग अंडर द एक्ट। क्लियर, आगे चलें, यहां पे लिखते हैं आगे, कहते द एपिडेमिक डिजीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, ये कब लेकर आया गया था, 1897 में, ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ बिबोनिक प्लेग, अभी हमने देख लिया। सिंस द एग्जिस्टिंग लॉज वर इनसफिशियंट, हालांकि देखा जाए ये इनसफिशियंट है टू डील विद वेरियस मैटर्स, वो कौन कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल ओवर क्राउडेड हाउसेस, जो घर में ही बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हाउसेज है जिसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और स्पेस बहुत कम है, छोटे घर जिसको बोल सकते हैं, हम लोग बोलते हैं कि मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड, वो कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे। अब आ गया नेग्लेक्टेड लेटरिंस एंड हट्स, एक्यूमुलेशन ऑफ फिल्थ, इनसेनेटरी काउशेड्स एंड स्टेबल्स एंड डिस्पोजल ऑफ हाउस रिफ्यूज। क्लियर, यहां पे लिखा गया द बिल हैड कॉल्ड फॉर द स्पेशल पावर्स, अब कुछ स्पेशल पावर्स आ रही हैं फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के लिए जो प्रोविजंस और लोकल बॉडीज लेकर आए कि इंक्लूडिंग टू चेक पैसेंजर ऑफ द ट्रेन एंड द सी रूट्स,
जो शिप भी निकल रहा है उसको भी चेक करना है, और पैसेंजर ऑफ ट्रेन, हमें इवन जो यात्री हैं जो रेल के थ्रू यात्रा कर रहे हैं उसको भी हमने चेकिंग करने का परमिशन है। द गवर्नमेंट ऑफ द डे वॉज ऑल्सो कंसर्न दैट सेवरल कंट्रीज वर अलार्म्ड बाय द सिचुएशन इन इंडिया एज रशिया हैड स्पेक्यूलेटेड दैट होल सब कॉन्टिनेंट माइट बी इन्फेक्टेड ड्यू टू द प्लेग। क्लियर है? ये था आपका एक हिस्ट्री, ये मैं आपकी हिस्ट्री बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, कब की, जब प्लेग आया था, बिबॉनिक प्लेग बॉम्बे में 1897 में, जब सबसे पहले एपिडेमिक डिजीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अभी अगर मैं आज करंट की बात कर लूं तो यहां पे कुछ चेंजेस को भी लेकर आया गया है। वो चेंजेस क्या है आप देखें, थोड़ा सा ऐड है, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। यहां पे लिखा कि कैबिनेट अमेंडेड द एक्ट थ्रू एन ऑर्डिनेंस। वो कौन सा ऑर्डिनेंस है स्टूडेंट्स? वो है कि स्टेटिंग दैट अबेटमेंट ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, शेल बी पनिशेबल। मतलब अबेटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ वायलेशन, अगर हम लोग वायलेंस करेंगे किसके अगेंस्ट? हेल्थ केयर वर्कर के अगेंस्ट, तो वो पनिशेबल ऑफेंस रहेगा, जिसके अंडर हमें, एक सेकेंड दीजिए, जिसके अंडर हमें नंबर वन एम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है। एक कितने देर की हो सकती है? ये हो सकती है, वेरी करती है, 3 मंथ्स टू 5 ईयर्स। ये रिसेंटली स्टूडेंट्स हम लोगों ने चेंजेस को लेकर आए हैं, किसके अंदर? यही आपके कैबिनेट अमेंडमेंट एक्ट जो हमने पढ़ रहे हैं, डिजीज एक्ट, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। अब सेकंड, इम्प्रिजनमेंट के बाद भी हमें फाइन पेनाल्टीज हो सकती है, कितनी हो सकती है? 50,000 से लेकर 2 लाख रुपीज तक। क्लियर है यहां तक? देखिए स्टूडेंट्स, फिर भी कोई डाउट है तो बार बार वही रिपीट करता हूं मैं आप लोगों के लिए कि प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। क्लियर है? क्योंकि हर एक चीज का आपका क्लैरिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है, स्पेशली फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चले आगे हम लोग, शैल वी प्रोसीड फर्दर? ओके, हम लोग आगे चलते हैं। कहते एपिडेमिक डिजीज के अकॉर्डिंग है क्या? कहते प्लेग जो आया था बॉम्बे में वो है क्या चीज? कॉज बाय बैक्टीरिया, वो कौन सा है? यर्सिनिया पेस्टिसिस, यूजली फाउंड इन स्मॉल मैमल्स एंड देयर फ्लीज। देयर आर टू मेन क्लिनिकल फॉर्म ऑफ प्लेग्स, एक रहता है बिबॉनिक एंड न्यूमोनिक। कहते बिबॉनिक प्लेग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म एंड इज करेक्टराइज बाय, अब इस ये तो कॉमन फॉर्म है और इसके लक्षण सिम्टम्स कैसे देखने को मिल जाएंगे? पेनफुल स्वेलन लिम्स, नोड्स और बिबोज। अब न्यूमोनिक प्लेग क्या है? सिवियर लंग इंफेक्शन हो जाते हैं। क्लियर? अगर मैं बात करूं ना आगे कि प्लेग इज ट्रांसमिटेड बिटवीन, ये ट्रांसमिट हो जाएगा बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस बाय बाइट ऑफ इंफेक्टेड फ्लीज। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इंफेक्टेड टिश्यूज एंड इनहेलेशन ऑफ इंफेक्टेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। ये चीज भी हिस्ट्री है। क्लियर? बस आपको साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये वाला है, एक ये रहेगा आपका और ये वाला। आपको नोटिस होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो ब्यूबोनिक प्लेग आया था इस कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस नहीं था वो, जैसा कि अभी COVID-19 है वो वायरस इंफेक्टेड है। अब ये ब्यूबोनिक प्लेग था जो बॉम्बे के अंदर सबसे पहले आया था, वो था बैक्टीरिया इंफेक्टेड। क्लियर? और वो कौन सा था? वो है यर्सिनिया पेस्टिस, सॉरी पेस्टिस। क्लियर? चले आगे, नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, विजाग गैस लीक। ये रिसेंटली हमने देखा था आंध्र प्रदेश में नियर द विशाखापट्टनम। इवन ये एक रिपीटेशन था, आप नेचुरली भी बोल सकते हो, एक एक्सीडेंट हो गया था आंध्र प्रदेश में, सिमिलरली जो मध्य प्रदेश के भोपाल में भी हुआ था, जो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो आज हम इस न्यूज के अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लेंगे।
अब बात करते हैं विजाग गैस लीक की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जनरल स्टडीज पेपर 2 और जनरल स्टडीज पेपर नंबर 3 के लिए। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। शुरू करें, कहते अ गैस लीक हैज अफेक्टेड द 5 villages, 5 गांव को इफेक्ट कर दिया, जो विशाखापट्टनम के पास है और आंध्र प्रदेश में है। ये कोस्टल एरिया की बात की गई है विशाखापट्टनम की, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया द सोर्स ऑफ द गैस लीक वॉज अर्थ, और जो गैस लीक हुई वो बहुत पॉइजनस थी, ठीक। वो सोर्स क्या था उसका, जो लीक हुई वो है स्टायरीन प्लांट। कौन सा प्लांट है? स्टायरीन प्लांट है, और किसका है वो? वो है साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का, साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक जाइंट एलजी वालों का, साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक जाइंट एलजी, लोकेटेड इन दिस एरिया। क्लियर है क्या चीज? स्टायरीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, याद रखें, प्रीलिम्स लगा लो, मेंस लगा लो, इंपॉर्टेंट है। अब आपका डाटा शुरू होता है, यहां से नोट करना कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या रहता है, C8H8, मतलब कार्बन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है इसके अंदर। और ये क्या है? ये डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है, मतलब C6H6। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। यही तो ऐसे पॉइंट्स रहेंगे साइंस के अकॉर्डिंग आपके। देख अब बात करें अगर इसकी, कि अगर हमने ये गैस को स्टोर करके रखना है, वो कैसे करते हैं? ये फैक्ट्रीज में स्टोर किया जाता है लिक्विड फॉर्म में, बट इवेपोरेट इजीली, बट ये इवेपोरेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत आसानी से होता है। एंड हैज टू किप्ड एट, अब कितने टेम्परेचर में हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में? 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। टेम्परेचर भी बता दिया आपको। स्टायरीन जो एक गैस है इज फाउंड इन व्हीकल्स एग्जॉस्ट, मतलब जो धुआं निकलता है, प्रदूषण निकलता है कहाँ से? गाड़ियों से, सिगरेट स्मोकिंग से, एंड इन नेचुरल फूड्स लाइक फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। यहां से आपको कौन सा गैस देखने को मिलता है? स्टायरीन। क्लियर? ये फ्लेमेबल लिक्विड है, मतलब जल्दी आग पकड़ लेगा। दैट इज यूज, और क्यों यूज किया गया? बनाने के लिए क्या चीज बनाना है हमें? वो बनाना है हमें पॉलिस्टरीन प्लास्टिक। कौन सा प्लास्टिक है? पॉलिस्टायरीन प्लास्टिक है, फाइबर ग्लासेस, रबर एंड लेटेक्स। ये बनाने के लिए हमें स्टायरीन की मदद लगती है। क्लियर है? जो लिक्विड फॉर्म में रहता है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पे हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला है C8H8। ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। यहां पर लिखा कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, कहते इन द रीसेंट पास्ट ओवर 130 सिग्निफिकेंट केमिकल एक्सीडेंट्स have been reported in the country, important रहेगा। अब क्या रहता है? What do you mean by NDMA? NDMA का मतलब क्या रहता है? Concept देखें, ये है क्या चीज? ये एक आपके लिए apex authority है, sorry statutory body है, apex statutory body for disasters management in India, भारत के अंदर। Clear है? कोई doubt तो नहीं है? यहां पे मैं क्लियर कर रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है, बट डाटा हमारे पास ज्यादा रहता है। एनडीएमए की अगर बात करें, जो नेशनल डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये हमने कब बनाई थी? कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 27 सितंबर 2006 में बनाया गया था, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द डिजास्टर्स मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये बोलते हैं कि 130 सिग्निफिकेंट केमिकल एक्सीडेंट्स रिसेंटली हो चुके हैं। There are over 1861 major accident hazards units spread across 301 districts. 301 districts में 1861 major accident hazards units हैं, and 25 states and 3 union territories में ये लगे हुए हैं। The major accident is defined as an incident involving loss of life, जहां पे जान जा चुकी है, इनसाइड अंदर या बाहर, टेंस और मोर इंजरीज। क्लियर? अगर आगे ही बात करें, फर्दर इट ऑल्सो इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स और एक्सप्लोजिव्स और फायर ऑन स्पिलेज ऑफ हैजार्डस केमिकल्स रिजल्टिंग इन ऑन साइट एंड ऑफ साइट एमरजेंसीज लीडिंग टू एडवर्स इफेक्ट टू द एनवायरमेंट। कि एनवायरमेंट के ऊपर, या हालांकि अंदर प्रॉब्लम है या फिर प्लांट के बाहर प्रॉब्लम है, ओवरऑल एनवायरमेंट को प्रॉब्लम आ रही है,
वो चीज बताएगी यहाँ पे। अब थोड़ा सा ये देखते हैं, यहां पे लिखा, एक मिनट, यहां पे लिखा गया द डेथ इन विशाखापट्टनम ऑन थर्सडे आर सस्पेक्टेड टू हैव बीन कॉज्ड बाय अ स्टायरीन गैस, अ लुक एट हेल्थ इफेक्ट कॉज्ड बाय एक्सपोजर। अब यूएसए का क्या बोलना है कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इनहेलेशन ऑफ स्टायरीन गैस कॉजेस, कंसेप्ट यहां से आप लोग यूज कर सकते हैं कि जिसने भी स्टायरीन गैस को इनहेल किया उसको क्या हुआ, थकावट महसूस होगी, टायर्डनेस, सेंस ऑफ इन एब्रिएशन, स्लोड रिएक्शन टाइम, अब रिएक्शन भी वो बहुत धीरे देगा, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो गई, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा चीज पे, बैलेंस प्रॉब्लम, वो एकदम सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा, एंड चेंजेस इन कलर विजन, ठीक है, ये इसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं स्टायरीन गैस के। इवन आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर्स में रेस्पिरेटरी इश्यूज देखने को मिल रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आंखों में इरिटेशन हो रही है, और गैस्ट्रो इंटेंशनल प्रॉब्लम मतलब कि स्टमक प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं शुरू, आप ये बोल सकते हो इम्यून सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ रहा है आपके, क्लियर। यहां पर लिखा स्टायरीन कंसेंट्रेशन दैट कॉजेज दीज इफेक्ट्स आर मोर देन 1000 टाइम हायर देन लेवल नॉर्मली फाउंड इन एनवायरमेंट। अब नॉर्मली भी हमें स्टायरीन गैस देखने को मिल जाती है एनवायरमेंट के अंदर, क्योंकि सिगरेट की स्मोकिंग से, व्हीकल पोल्यूशन से, ये सारा कुछ निकलता है आपका स्टायरीन गैस। अब यहाँ पे लीकेज होने के कारण, विजाग में लीकेज होने के कारण 1000 टाइम ज्यादा स्टायरीन गैस हमें देखने को मिली, कहाँ पे, एनवायरमेंट में, क्लियर। चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, कहते एट द टाइम ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, The Indian Penal Code was the only relevant law specifying the criminal liability for such incidents. कौन सा था वो, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उस टाइम पे भारत के पास सिर्फ आईपीसी की कुछ धाराएं थी कि क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर सच इंसिडेंट्स। अब मैं बात करूं व्हाट डू यू मीन बाय स्टूडेंट्स, भोपाल गैस ट्रेजेडी ये है क्या चीज, अब डाटा लिख लेना, ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, मैं पेन के कलर चेंज कर करके यहां पे आपके लिख दूंगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला पॉइंट, कौन सी गैस लीक हुई थी विजाग में, स्टायरीन, और भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हो गई थी, वो थी अपनी मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको हमने बोल दिया माइक, कौन से, ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है, केमिकल फॉर्मूला इसका स्टूडेंट्स क्या रहेगा, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CH3NCO, ठीक है। और ये क्या चीज है, एक मिनट, कंसेप्ट देखें आप लोग, ये लीकेज हो गया था कहां से, फ्रॉम द पेस्टिसाइड्स प्लांट, फ्रॉम द पेस्टिसाइड्स प्लांट से ये लीकेज आ गया था आपका, ऑफ यूनियन कार्बाइड ऑन MNCs, क्लियर है, इन मध्य प्रदेश, कहां पे, भोपाल में, क्लियर है स्टूडेंट्स। मैं रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम आ गया था आपका, भोपाल गैस ट्रेजेडी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था ये, जिसके अंदर गैस लीकेज आ गई थी मिथाइल आइसोसाइनेट की, हम उसको माइक भी बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला क्या रहता है स्टूडेंट्स इसका, CH3NCO, ये पेस्टिसाइड्स प्लांट्स ऑफ यूनियन कार्बाइड से लीक हो गया था, एक MNC कंपनी है, कहां पे, भोपाल में है, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, क्लियर है। अब अगर यहां से थोड़ा सा मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, अब अगर बात करें, एक मिनट, यहीं पे लिख देते डाटा, एड ऑन ही करना है हमें, तो ये कितना निकला था, कितनी गैस निकल गई थी, ये निकली थी 40 टन्स ऑफ गैस लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट एंड अदर केमिकल्स ऑल्सो, ये लीकेज हो गया था, याद रखना, क्लियर है। चले आगे, नेक्स्ट फर्दर चलते हैं, यहां पे लिखा गया कि भोपाल गैस लीक प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट 1985, कौन सा कानून आया था, भोपाल गैस लीक एक्ट 1985 गिव पावर, वो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू सिक्योर द क्लेम्स अराइजिंग आउट और कनेक्टेड विद द भोपाल गैस ट्रेजेडी, क्लियर है। ये कानून आपको याद होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, गैस कौन सी थी, माइक थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, केमिकल फॉर्मूला क्या था, CH3NCO, ये चीजें आपको प्रीलिम्स के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, आप लोग प्लीज इसको अंडरलाइन करके रखो,
आगे है, कहते द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 गिव पावर, वो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू अंडरटेक द मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द एनवायरमेंट एंड सेट स्टैंडर्ड्स एंड इंस्पेक्ट इंडस्ट्रियल यूनिट्स. क्लियर है? आगे आया द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट जो 1991 में आया. जो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है 1991 में आया था, एंड इंश्योरेंस मेंट टू प्रोवाइड रिलीफ, ये बनाया गया था ताकि सहायता हो सके पर्संस को जो अफेक्टेड हैं ये एक्सीडेंट से, दैट अकर व्हाइल हैंडलिंग हजार्डियस सब्सटेंसेस. क्लियर? इवन आप लोग एक बात को याद रखें, यहां पे लिखा है कि मिथाइल आइसोसाइनेट इज वेरी टॉक्सिक गैस. ये काफी टॉक्सिक गैस है. कब? जब इसकी कंसंट्रेशन इन द एयर टचेस, कितना टच कर जाएगी, 21 ppm, मतलब पार्ट्स पर मिलियन. तो आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस बहुत ज्यादा हैजार्डियस बन जाती है. ये लीकेज हुआ था भोपाल के अंदर, तभी बोला गया भोपाल गैस ट्रेजडी. क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? अब ये देख लें, 1984 में हुआ था, 1985 में भोपाल गैस डिजास्टर्स आ गया था एक्ट, कम इनटू इफेक्ट 1985 में आ गया था. कहते एक्ट डिक्लेयर, ये क्या डिक्लेयर देता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पेरेंट्स पेट्रा, मतलब सोल गार्डियन है ऐसी गैस विक्टिम्स के लिए. इन इनिशियल टॉक यूनियन कैबिनेट, सॉरी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन यूसीसी, मतलब यूनियन गवर्नमेंट, डिमांडेड कितना, $3.3 billion का. कहते एक्टिविस्ट ग्रुप्स चैलेंज द एग्रीमेंट्स इन द एपेक्स कोर्ट, 2001 में इसको चैलेंज भी किया गया था. तो ये सारे का सारा डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है. क्लियर? एक बार इसको रिकॉल करें, जैसा कि 2010 में था कि भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन बनी थी. कौन सी? भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन बना, एंड भोपाल गैस पीड़ित संग्रह सहयोग समिति बनी. फाइल द पटिशन, उन्होंने पटिशन को फाइल किया. सीकिंग क्या देख रहे थे वो, कि 5 times more कंपेंसेशन एज अ पर्सन किल्ड एंड इंजर्ड, कि हमें 5 times ज्यादा कंपेंसेशन दिया जाए जो इन्फेक्टेड है या फिर जो मारे गए हैं भोपाल गैस डिजास्टर्स के अंदर. एज कंपेंसेटेड बाय द वेलफेयर कोर्ट्स वॉज 5 times more देन द एक्चुअल फिगर ऑफ द डेथ एंड इंजरीज गिवन बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटा है ये वाला स्टूडेंट्स. ठीक है, चले आगे. विजाग गैस लीक के अकॉर्डिंग है, कहते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010, ये एनजीटी है, आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है इसका मेन बेंच, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशंस डिस्पोजल ऑफ केसेस. ये किस तरह के केस देखता है एनजीटी? आपका एनवायरमेंट बेसिस पे जो केसेस है वो एनजीटी देखता है. रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये देख रहा है एनजीटी. अब अगर मैं बात करूं एनजीटी के लिए ही थोड़ा सा डाटा देख लें. कहते एनजीटी वॉज एस्टैब्लिश अंडर, आपको पता है कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 के अंडर बना है. तो ये बनने के बाद क्या हुआ, कहते इंडिया बिकेम द थर्ड कंट्री, भारत अपना तीसरे स्थान पर आ गया, थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेट अप अ स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल आफ्टर. सो सबसे पहले किसने लगाया था? ऑस्ट्रेलिया ने, और दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड ने. कंसेप्ट देख लीजिए कि भारत तीसरा कंट्री बन चुका है पूरे विश्व में. क्यों? ताकि स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल बनाया गया. सबसे पहले बनाया ऑस्ट्रेलिया ने, दूसरे पे बनाया गया न्यूजीलैंड ने, और तीसरे पे हम लोगों ने बनाया, भारतीयों ने बना दिया. ओनली आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री. अगर बात करें डेवलपिंग कंट्रीज की तो भारत पहले स्थान पर आ गया. ठीक है, कहते अकॉर्डिंग टू द पीआरएस लेजिस्लेटर एनी इंसिडेंट सिमिलर टू द भोपाल गैस ट्रेजेडी. अब कोई भी अगर इंसिडेंट भोपाल गैस ट्रेजेडी के साथ मिलता जुलता हो रहा है विल बी ट्राइड इन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. तो उसका केस एनजीटी देख रहा है एंड मोस्ट लाइकली अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? देखिए कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा.
और हम लोग इसी तरीके से सारे के सारे न्यूज़ को कॉन्टिन्यूटी में करते जाएंगे, जैसा कि अभी हम लोग मई को कर रहे हैं, मार्च और अप्रैल को हम लोग कवरअप कर चुके हैं, अब आगे मई को हम कॉन्टिन्यू करते रहेंगे, उसके बाद जो भी अपना मंथ रह रहा है मई के बाद जून जुलाई एंड सो ऑन, हम इसी तरीके से कॉन्टिन्यू करते रहेंगे 70 डेज के अंदर। बस आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से बने रहें और जुड़े रहें, और बड़े आराम से आप लोग करंट अफेयर्स वाले सेशन को देखें, और जो भी डाटा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइडेड है फॉर द PDF, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो मैं आज का सेशन यहीं तक रोक रहा हूँ। आई होप आपको ये वाला सेशन भी काफी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको रेट कीजिए और रिव्यू कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।